जो पूरी राजनीतिक परिस्थिति है तो लगता है कि नीतीश कुमार को उस तौर पर बाई समा गया है। एक और बात जो अभी भवेश जी ने जो बाइट सुनवाए कल विधानसभा के, उसमें सम्राट चौधरी का एक और बाइट था, ये तो उन्होंने ओवरऑल कहा कि जो सरकार में रहे उनकी जांच कराई जाएगी। पर्टिकुलर जिस विषय पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस पर भी कल सम्राट चौधरी ने बोला, और देखिए सम्राट चौधरी का अंदाज और भाषा, गुंडागर्दी और वगैरह वगैरह जो भी सदन में वो बोलते हैं, तो कल उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ये हुआ है, जो इन लोगों ने ये खेल किया है, तो उनका जो है पूरा दवाई कर दिया जाएगा, तो वो दवाई किया जाएगा हर हाल में, ये बोला उन्होंने। तो ये उस दवाई का ही ये प्रतिफल था जिसकी मैं चर्चा आपसे कर रहा था कि कोतवाली थाने में जो FIR हुई है वो दरअसल बीमा भारती का जो रुदन है, उस रुदन की एक बहुत बड़ी कड़ी ही नहीं बल्कि असल कहानी वहां पर है। और सिर्फ बीमा भारती ही नहीं, डॉक्टर संजीव भी अभी रोएंगे, यही नहीं अभी समझ लीजिए कि फिर मिश्रीलाल यादव भी रोएंगे। जी यादव हैं, भगीरथी हैं, वो भी भगीरथी हैं, भगीरथी देवी हैं। तो वो क्या FIR है वो जरा सा मैं संक्षेप में चाहूंगा कि दर्शकों को भी बता दिया जाए। और वो है कि सुधांशु शेखर ने जो FIR दर्ज कराई है, जो हरलाखी के विधायक हैं, उसमें बजाते एक कथा, पटकथा उन्होंने एक तैयार की है अपने FIR में, और उस पटकथा में ये कहा गया है कि 10-10 करोड़ की एक एक बोली जो है एक एक विधायकों की लगाई जा रही थी। और देखिए उस पूरे प्रकरण में डॉक्टर संजीव की का जिक्र है, बीमा भारती का जिक्र है, और उसमें एक RJD का एक चेहरा सामने लाया गया है जिसके बारे में कहा जाता है कि तेजस्वी के बहुत करीब है, इंजीनियर सुनील कुमार राय। और ये इंजीनियर सुनील कुमार राय जो तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र के एक तरह से कहें कि मैनेजर भी हैं उनके क्षेत्र के, तो वो सुनील कुमार राय इंजीनियर, उनका नाम आ रहा है, और उनके जरिए ही ये सारा जो है ये खेला रचने की बात कही जा रही है। दिलचस्प ये है कि तो इसमें तेजस्वी भी अब जद में आ रहे हैं उस FIR के अनुसार, बीमा भारती ऑलरेडी आ चुकी हैं, डॉक्टर संजीव भी आएंगे, हालांकि वो भागते भागते पहुंचे और उन्होंने जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी अविश्वास मत वाले मामले में भी और फिर फ्लोर टेस्ट वाले मामले में भी। लेकिन निशाना तो जैसा कि कह चुके हैं सम्राट चौधरी की सबका दवाई होगा, इसलिए कि डर अब सत्ता पक्ष को यह भी है कि जिन विधायक अगर वो बाहर चले गए या एक बार मन बना लिया तो अब कहीं फिर दोबारा न पलट जाए और कहीं तेजस्वी के साथ फिर वो लोग ना जा जुड़े। इसीलिए वो FIR एक ऐसी है FIR है जो कि राजनीति में अपराध या हॉर्स ट्रेडिंग के सवाल को उठा करके FIR है, लेकिन उसके दूसरे भी उपयोग या दूसरा भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। और उस इस्तेमाल पर शंका तब होती है जब उस FIR में राहुल गांधी का भी नाम आता है और आरोपी के तौर पर। वो आरोपी क्या है कि अखिलेश नाम के एक शख्स ने जो इंटरनेट के किसी एक नंबर से वो फोन करता है उस एक आदमी को, जो विधायक जिसने FIR कराई है उस विधायक के आदमी को, और वो कहता है कि आप जो है महागठबंधन में आ जाइए, जो जो आपकी मंशा है सब पूरी की जाएगी। और अपने परिचय के बारे में वो बोलता है कि मैं राहुल गांधी का विशेष आदमी हूँ, खास आदमी हूँ। तो इस तरीके से उस FIR की पूरी प्लॉटिंग जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग के नाम पर सिर्फ विधायकों ने जो भ्रष्टाचार किया या जो खेला हुआ सो कॉल्ड कथित तौर पर 10 करोड़ की बात जो आ रही है, उस 10 करोड़ में ये भी आ रही है कि 5 करोड़ अभी ले लीजिए और काम हो जाने के बाद 5 करोड़, ये सब FIR में लिखा हुआ है। सुनील राय जो RJD के इंजीनियर जिसको बताया जा रहा है, लेकिन उसमें जी तो तेजस्वी और राहुल गांधी का आना, तो क्या ये नहीं लगता है या फिर आकलन लगाया जा रहा है जो सियासी गलियारे में कि एक बार फिर से इस प्रकरण में, बिहार के इस खेला प्रकरण में राहुल गांधी को भी तो जेद में नहीं लिया जाएगा और इंडिया गठबंधन को पूरी तरीके से एक जो नेस्तनाबूद करने या तोड़ने की कवायद जो चल रही है उसी का हिस्सा नीतीश कुमार का ये पलटमारी भी हुई, तो क्या ये आगे जाकर के ये राहुल गांधी तक जुड़ेगा? और जांच के नाम पर क्या इस तरह का एक बड़ा खेला अब सामने आने वाला है? इसलिए ये बात भी आ रही है और यहाँ जो बाकी इंडिया के दल हैं उन इंडिया पार्टीज में ये चर्चा है कि ये एक बहुत बड़ा प्लॉटिंग की गई है जिस प्लॉटिंग का एक ये मकसद
हो सकता है कि इसमें जो है फिर से एक बड़ा सा राजनीतिक खेल कोई खड़ा किया जाए। तो बीमा भारती या फिर उनके पति जो है अवधेश मंडल, देखिए अवधेश मंडल उनके पति और उनके बेटे को गिरफ्तार करके और आज जेल भेज दिया गया। तो अब बीमा भारती अगर मान लीजिए कि दोषी हैं या फिर आप उनको मानते हैं कि दल बदल किया, उनके पति को क्यों पकड़ा, उनके बेटे को क्यों पकड़ा, और जिस लाइसेंसी हथियार वो कह रहे हैं लाइसेंसी हथियार है, अवधेश मंडल के पास एक हथियार था, एक उनकी बेटी का हथियार था, अब सरकार कह रही है कि गैर लाइसेंसी था तो हमने हथियार आर्म्स एक्ट में मुकदमा किया है, तो दोनों को जेल भेज दिया। तो ये अब क्या सिलसिला चलेगा और सत्ताधारी दल के विधायकों पर ही, इसलिए कि अगर वो एक कोई दूसरी राय रखते हैं, वो कोई इस लोकतंत्र में कोई दूसरा मत रखते हैं, तो ये स्थिति जो दीपक ने कहा कि पहले ऐसे दो बार हो चुका है लेकिन इस तर्ज पर, इस तौर पर नहीं हुआ कि हुआ तो ठीक है हुआ। ये क्या मान लीजिए कि विधायक जो तीन तोड़े गए हैं आरजेडी के, क्या वो एक सवाल है कि क्या उनके साथ कोई डील नहीं हुई? तो पॉलिटिकल करप्शन जो है वो सिर्फ क्या सिर्फ नोट पर या करेंसी या कैश पर होता है? पॉलिटिकल करप्शन क्या नीतीश कुमार के दल में या फिर बीजेपी में, क्या ये भी नहीं कहा जा सकता है कि अगर आपने किसी शर्तों पर, किसी डील पर आपने किसी विधायक को तोड़ा? तो ये सारे सवाल उठ रहे हैं जनमानस में, जनमत में, और इन सब सवालों को लेकर के बिहार आगे बढ़ रहा है, विधानसभा का सत्र भी चालू है और आज का हंगामा भी बिहार के जनमानस पर बड़ा असर डालेगा। और आज जो नीतीश कुमार का जो बयान और जो रौद्र रूप सामने आया है, लेकिन ये सब कुछ बता रहा है कि बिहार के इस बार की ये सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, शायद सिर्फ पटना से नहीं चल रही है, ये सरकार शायद दिल्ली से भी चलाई जा रही है, ऐसी चर्चा लोगों में है। और इस आधार पर एक शायद नया दिन देखने को बिहार अब जा रहा है राजनीतिक तौर पर, जिसका अभी तक उसने नीतीश के राजकाज में कम से कम नहीं देखा था। तो ये नीतीश का राजकाज क्या अलग होगा और क्या ये शांति बनी रहेगी? जो क्षुब्ध विधायक हैं आज भी, जैसे बीमा भारती साफ साफ कह रही थी, अपने ही पार्टी और बीजेपी को कह रही थी कि वो गुंडों की सरकार है जी। और देखिए जंगल राज आरजेडी को कहा जा रहा था, गुंडों की पार्टी आरजेडी को कहा, आज जेडीयू की ही एक विधायक कह रही है कि बीजेपी और जेडीयू की ये जो सरकार है ये गुंडों की सरकार है। एक तो बेटा हमारा, एगो तो है नहीं दुनिया में, एगो है तो फिर उसको खोजने गए, यहाँ से हम दोनों माँ बेटी दोनों गए यहाँ सदन में उपस्थित दर्ज करके, तब गए फिर वहाँ खोजते खोजते वहाँ पर जो है कि जब हम नहीं मिला ना, इसके बाद हम आपको फोन किए, तब फिर मीडिया वाला सबको बताए, बात करते करते तब जा करके जब हुआ, बहुत देर से हम खोजे, दो स्कॉर्पियो से आगे पीछे करके ले गया, बोला कि इसका स्कॉर्पियो में जा रहा है, मेरा आदमी गया वहाँ, देखा कि नहीं है। बीमा जी मैं समझ रही हूँ आप भावुक हो रही है, सवाल ये है कि आप पहले आंसू पोछ लीजिए। मेरा जो है ना बहुत कष्ट में है, इसलिए कष्ट में है कि सरकार में रहते हुए मेरा बेटा का जो पढ़ने लिखने की उम्र है उसको जेल करने का काम कर रहा है। ये तो सवाल है कि आप जेडीयू सरकार में हैं, मेरे सवाल, आप जेडीयू में हैं, सरकार में हैं, आप कह रही हैं कि आपके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप यहाँ पहुंचे और इस दबाव की वजह से आपके बेटे और आपके पति को थाने में रखा गया। मेरा कहा, मेरा पति को, मेरा बेटा को, मेरा कार्यकर्ता को थाना में बैठा के रखा गया, मेरा बेटा को मारा गया, मेरा पति को जो टॉर्चर किया गया, और आज हम अभी बेटा से मिल के आए, इतना रो रहा था वो मासूम बच्चा, जेल गया अभी। क्या समझता है जदयू का लोग कि दबाव दे करके हम सरकार में कुर्सी में काबू रहे, और ये जो है कहता है कि गुंडा राज है, आरजेडी के बारे में बोलता है गुंडा राज है, ये जदयू और बीजेपी का गुंडा राज हो गया बिहार में। आज जो है हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, आज हमारा बेटा का हत्या हो जाता, काउंटर कर देता। जो लग रहा है क्यों ऐसा कर रही है सरकार, जो सरकार में आने के लिए जो है ना पगला गया है, इसीलिए इस तरह से कर रहा था, और कोई बात नहीं है। तो अब ये एक विक्षोभ भी सामने आएगा, तो राजनीतिक विक्षोभ अगर सामने आता है तो आप नहीं कह सकते कि खेला अभी खत्म हो गया, खेला अभी शायद बाकी हो, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है, मैं तो सोच रहा हूँ कि ये खेला अब शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से कदम आगे बढ़ाया है नीतीश ने और बीजेपी ने कि भाई दमन का
चाहे अपनी पार्टी का विधायक हो, चाहे दूसरे का विधायक हो, जिस तरह से विधायकों पर दमन का ये रूप आया है, तो इससे तो इमेज और खराब होगी। अभी तो ये था कि पलटी मारने से ही क्रेडिबिलिटी खराब हुई थी, अब तो और खराब होगी छवि, जो बिहार की भी खराब होगी और नीतीश की भी खराब होगी, और बीजेपी भी जो अपने को दूध का धुला कहती है, भगवान राम का इतना मर्यादा पुरुषोत्तम का गुणगान करती है, तो उनके भी इमेज खराब होगी। और देखिए, और बिहार की बिहार की कहानी में रामदेव जी, राहुल गांधी का नाम ले आना, ये प्लॉटिंग जो है सिर्फ पटना की नहीं हो सकती है, जाहिर तौर पर ये प्लॉटिंग कहीं दिल्ली की भी हो सकती है। कि ये जो एफआईआर आप बता रहे हैं, ये जो लिखी गई है, ये किसी बहुत खुर्राट या तो हेड मुहर्रिर या क्रिमिनल लायर ने लिखी है, कि जिसको आप दूर तक खुलासा करके आप लेते हैं। देखिए, इस समय पूरे देश में ही चल रहा है, आप आज फारूक अब्दुल्ला को नोटिस मिला, दिल्ली सरकार के मंत्री जेल में है, केजरीवाल को बार बार ईडी समन मिल रहा है, आप देख रहे हैं ना, बंगाल से लेके और श्रीनगर तक और महाराष्ट्र से लेके और कर्नाटक, पूरे देश में ही ये हो रहा है कि पूरा ये ब्यूरोक्रेसी का, पुलिस का, ईडी का, इन सब का जो दुरुपयोग करके जो जो भी असहमति के स्वर हैं या जो भी सत्ता प्राप्ति के मार्ग में बाधक हैं, उनको जिस तरह से बुलडोज किया जा रहा है, एनकाउंटर भी हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो वो अब लग रहा है कि बिहार में अब जिस रास्ते पे चल पड़े हैं ना, जैसे एक झूठ को बोलने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है, तो अभी तो आपका बजट सत्र चल रहा है, अगर विधायक चाहेंगे और इस तरह से नाराज हो जाएंगे तो किसी दिन बजटे में न गिरा देंगे सरकार, उसके लिए तो विश्वास जरूरी थोड़ा है, वो तो अगर बजट नहीं पास होगा तो भी सरकार गिर जाएगी, तो बहरहाल। लेकिन मेरा एक आकलन ये है जी, मैं ये जहां तक समझ पा रहा हूं कि ये देखिए, एक तो सबसे ब्लैटेंट सबने ये देखा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, दल बदल कानून है। अब आप तीन विधायक जो सिटिंग हैं आरजेडी के, वो खुल्लम खुल्ला उसमें जा रहे हैं और विप के खिलाफ वोट दे रहे हैं, तो ये सत्ता पक्ष में बैठ रहे हैं, नहीं आता है तो देखिए, तो क्या क्या जो बिहार के नए स्पीकर बनने वाले हैं नंद किशोर यादव, उन पर भी ये आएगा कि भाई वो क्या महाराष्ट्र की तरह उनको कैसे, मतलब उनका उनकी सदस्यता कैसे बरकरार रखेंगे, एक तो बड़ा सवाल ये आगे आएगा। दूसरा मुझे लगता है कि खेल जो था, खेल का बहुत दारोमदार था आपके जो अवध बिहारी चौधरी साहब जो स्पीकर, अगर स्पीकर टिके रह जाते तो आप पक्का मानिए कि बीजेपी के और जेडीयू के कई विधायक खुल के आरजेडी के साथ आ जाते, क्योंकि तब उनको ये भरोसा रहता कि हमारी सदस्यता खत्म नहीं होगी, स्पीकर वो रहेंगे। स्पीकर के हटने के कारण ही वो कुछ लोग जो जिनसे बात बनी भी थी, मुझे लगता है वो पीछे हट गए और इस तरह 129 वोट किसी तरह उन्होंने मैनेज कर लिए, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब आगे का जो स्पीकर आने वाले हैं उनके लिए भी एक बड़ा, मतलब ये धर्म संकट का सवाल आएगा कि ये जो तीनों विधायक हैं जो खुलेआम इन्होंने वोट दिया, तो वो उनको कैसे